स्नान करके चलाया चलाया, चल बेटा भोजन कर ले, मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी भोजन करूँ। मैं जब भी भोजन करता था, हम दोनों भाई एक साथ भोजन करता था। आज तक तुम्हारे साथ कभी भोजन नहीं किया, आज तुम्हारे साथ कैसे भोजन करूँगा। मैं अमरजीत सिंह को छोड़ करके अकेला भोजन मुझे नहीं जाएगा। मैं क्या तेरे तरह बीमार नहीं छोड़ी, छोड़ा के तो ही छोड़ दे कटा करना। हम ये पूछे थी हम एक के साथ में कर पाए। मैं हाँ, इसका मतलब है कि सच में अमरजीत सिंह नहीं आया। आएगा बच्चा था, सही बात हमने की जान दी, तू ने जान दी। ठीक है, देख ना हम तुमसे थक गए। अमरजीत सिंह भी आया है। अमरजीत सिंह अपने माँ के पास गया, हम अपने माँ के पास आए। माँ के पास? हाँ हाँ हाँ। तो हमरा समझाक करे थक लियो। हमें तो कही हमार छोरा हमरा समझाक नहीं करे, लेकिन आप मजाक करे ले सीख गए। सुन, अगर अमरजीत सिंह को तुम देखने के लिए चाहती है तो एक आवाज लगाएंगे, अमरजीत सिंह तुरंत आ जाए। तुरंत मुलाकात करवा देता है। ठीक है चाचा जी, चाचा जी मैं नजर उठा करके देख, अमरजीत सिंह आ गया है। बोरे बोर रहे लिए धार में लगा के लिए बोरे बोर लगा के लिए नुनू की क्या खेले, पूजा क्या खेले से तू न जाती भगवती माँ के पूजा क्या खेले। देखी कते संस्कारी से हमर देव पूछी लहा के लिए पूजा क्या खेले। कहीं तुरंत आओ जे पूजा पर बैठते हम तो लाइए के देखी अले न लहा के कते सुंदर। हां 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 अखने लहा के लिए भागो भागो। काय से कपड़ा बदल के जा, ना जा ठंडा मार दे दे के कपड़ा बदल का बोल। इसके बदले पर कफन है। हाँ ये पूजा करके आया है, स्नान करके आया है। ये नुनू इसी पर में जान कपड़ा बदल काबू ने कपड़ा बदल कर कैसे आवेले। कपड़ा अभी वो नहीं बदलेगा जब तक अमरजीत सिंह का तुम दोनों समाचार नहीं बताएगी, तब तक वह कपड़ा नहीं खुलेगा बदन से। छोरा का कटक चलिए हमें आप छोरा से पूछो। चाचा जी आप जाइए इधर आ, उसको छोड़ दे। अगर आप पूछा दे ना, छोड़ दे उसको। नहीं इधर अमरजीत सिंह को तुम कहाँ किया है? छोरा के बारे में हमरा की पूछे छी, हमरा तो एक से मोर गिरे लागे। अच्छा कांटे कांटे तक जय था हमर लाल भाग गए। जब अमरजीत सिंह खरबज स्कूल से आया तो माँ के पास नहीं जाएगा तो क्या तो बेस्या के पास जाएगा। वह छोरा एले बुझली अगले बाप लंगा। आने के टाइम अगर तुम सुनने के लिए चाहता तो मैं सुनाती हूँ। ठीक है सुना। जब वो पिताजी के जाने के टाइम में बोल दिया था अगर कोई भाग हो भाई मतलब कोई लौट करके चला आया तो जिंदा जला करके राख कर देंगे, छोड़ेगा नहीं बोला था। हाँ बोले थे। बच्चा आया कन्वर्ट से पार करके गया अपने पिताजी के पास। जैसे ही अपने पिताजी के पास गया, पिताजी ने देखा अमरजीत सिंह को। बाबू ने जैसे ही अमरजीत सिंह को देखा उसका आंख लाल पियर बन गया। जैसे छोटा पकड़ा अब पट से पटक दिया, कोड़ा चलाना शुरू कर दिया। बच्चा न रोने लगा, कहने लगा कि माँ माँ, मैंने मामा की आवाज सुन करके मैंने खाना बनाने दी गई, मैंने देखने के लिए पटक पटक करके बेटा को मार रहा था। मैंने बोली काहे देवर जी मारते हैं इस बच्चा को, क्या गलती किया है? कहने लगा गए भाभी तुम मेरे नजर से सामने से दूर हो जाने तो तुम्हें भी तलवार लेकर के दो टुकड़ा कर दूंगा। बाबू हमें तो भाई के लिए आप बीच में छोड़ा के की केलके नहीं केलके कतेक दलके नहीं दलके हमें नहीं जाने। इसका मतलब है कि चाचा जी अपने मर्जी से अमरजीत सिंह को हत्या किया। ठीक है, अगर चाचा जी अपनी मर्जी से अमरजीत सिंह को हत्या किया है तो तुम मेरे सर पर हाथ करके कसम खा ले और बोल दे भगवान मेरा बेटा इंद्र सिंह मर जाए, हम अमरजीत सिंह को हत्या नहीं करवाई। हे भगवान, हे दुर्गा माँ, हमार बेटा अमर भा जाइए, हम कुछ नहीं कहिए, हमार बेटा अमर भाजो और दोसर के बेटा मोर जी। क्या बात, हम क्रिएट खाइल कर। इसका मतलब है कि अमरजीत सिंह को मारने के लिए तुम उसमें कोई साजिश रची है ना? जनता भगवान ने जनता बल तोरा से झूठ की बल बोल, हम तोरा से झूठ बोल लिए। ठीक है भाई, तुम ये बहुत बड़ा अन्याय करना है, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो सुन ले, जिस तरह से आज अमरजीत सिंह को तूने अपने हाथ से हत्या करवाई है, आज से मेरे लिए तुम जैसी नागिन मां मर गई है। और तू भी सोच लेना कि मेरा बेटा इंद्र सिंह भी आज से मेरे लिए मर गया है। अरे हमारा बकिया, आज से मां बेटा का रिश्ता खत्म हो गया। जा रहा हूँ, जिसका बेटा मर गया है, जा रहा हूँ उसका बेटा बन करके रहेंगे और उसी को माँ बना करके रखेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग इसके खराब हो गया। जा रहा हूँ चाची फुला को अब तक का इस बात का पता नहीं चला है क्या? जिस कोख से वो बच्चा जन्म लिया, जिस कोख में वो 9 महीना बच्चा रहा है, उस माँ को अभी तक पता नहीं लगा। तुम इस बात को जानकारी मत देना रानी फुला को। तो ये तुम लोग बहुत अच्छा काम किया है। रानी फुला को अब तक पता नहीं है कि मेरा बच्चा क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब तुम जा सकती है, जानकारी नहीं देना, नहीं बोलेंगे चाची के पास जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चाची सुनला फूला ये चाची जी इनसे सबसे पहले तो मैं अपने महल का गुसल को कहकर के सुना दूँ। चाची जी बेटा मेरी महल का समाचार तो बहुत आसानी है, बेटा तुम कन्वर स्कूल का समाचार तो सुनाओ। चाची मेरा भी कन्वर स्कूल का समाचार बहुत अच्छा है। देखिए बेटा मैं तुम्हें अकेला देखती हूँ, तुम्हारे साथ छोटा भाई अमरजीत सिंह गया था, वहाँ कहाँ है? चाची जी अब अमरजीत सिंह कभी राजमहल लौट करके दोबारा नहीं आएगा। चाची जी हाँ चाची जी क्या हुआ बेटा? दुलरा हे मार लगेला नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता रे। मोहब्बत अमरजीत सिंह को हत्या करके उसका कफन लेकर के चाचा जी परिवार में बैठे बैठे रो रहे। ठीक है, मैं बोला करके मैं सारी बात पूछती हूँ, ठीक है, बोला करके पूछ लो। महीने आइंदा उसका रोज आपके दरबार आती थी तो क्या शान क्या सफर क्या राजा समान लगते थे। देखिए यार मैं सफेद कपड़े देखती हूँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बांधियो धैरा हाँ बेटा अब मेरा बात सच निकला जी सच में गए। ठीक है चाचा जी आप जा सकते हैं। चाची जी हाँ बेटा आज से हम ये राज माता में नहीं रहेंगे। चाची जी हो सकता है किसी न किसी रोज हमसे भी कोई गलती हो जाएगा तो चाचा जी मुझे जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे, इसलिए आज से हम ये राज महबा को छोड़ करके जा रहा है। जा बेटा अगर तुम्हें भी चलना है तो चल मेरे साथ। चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ साथ अवश्य जाऊंगी। ठीक है चल चाची। अरे खोलो तेरे पोसा करे बेटा हेरे राजा के